असल दिस इज पार्ट थ्री ईटा टू थाउजेंड ट्वेंटी का सोलूशन केमिस्ट्री का पोर्शन बाय वकार बेक अभी तक हमने थर्टी फोर एम सी क्यू कर लिए हैं अभी ये पार्ट थ्री है इसमें थर्टी फाइव एम सी क्यूज थर्टी फाइव नंबर एम सी क्यू को हम डिस्कस करेंगे थर्टी फाइव नंबर एम सी क्यू है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एसिटिक अबाउट द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिटिक एसिड इसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है तो अगर आप पहली स्टेटमेंट देखें तो लिखा है कि एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉगर एसिड देन मोनोक्लोरो एसिडिक मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड देखिए गया जी ये आपके पास एसिटिक एसिड है और ये आपके पास मोनोक्लोरो एसिड है इन्होंने लिखा है कि एसिटिक एसिड acid की एसिडिटी इससे ज्यादा है लेकिन ये गलत है जब भी इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप विद ग्रुप अटैच होता है तो याद रखें ये एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप है तो ये एसिडिटी को इंक्रीज करेगा तो क्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड acid से स्ट्रॉन्गर एसिड है तो द करेक्ट आंसर इज द यू कैन से दैट ए यानी इसमें से ये वाला जो ऑप्शन का है वो इनकरेक्ट है इसी बाद नेक्स्ट है कि द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन इज कॉल्ड एज स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली

ये सारों को पता है कि अमोनिया की शेप जो है वो इस तरह होती है बिकॉज इसमें एक लोन पेयर होता है और तीन बॉन्ड पेयर होते हैं इसको ट्राइगोनल पैरामेडल कहते हैं फोकस करें क्या कहते हैं ट्राइगोनल पैरामेडल कहा जाता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ट्राइगोनल पैरामेडल हो गया इसके बाद नेक्स्ट एम सी क्यू है एमसीक्यू नंबर थर्टी नाइन के दर्मल डीशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन द गैश स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो ये आपकी किताब में है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि आपकी किताब में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है आप इसे आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से करके बता सकते हैं तो ये आपकी बुक में मौजूद है और इसका आंसर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो कहा गया है कि द टेंपरेचर अबव व्हिच टू कंजुगेट सॉल्यूशन मर्ज इनटू ईच अदर उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल सलूशन टेम्परेचर ये सोल्यूशन के चैप्टर में से है जब आपके पास एक कंजुगेट सोलूशन बन जाए और उस आप टेम्परेचर ज्यादा करें तो कंजुलेट कंजुगेट तोन जब होमोजिन सोलूशन बन जाता है तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल सल्यूशन टेम्परेचर का नाम दिया जाता है नेक्स्ट एम से क्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इसमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है वाटर में एच एफ में सी एच फोर में और अमोनिया में मेरी बात एक याद रखिएगा कि हमेशा वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो डायरेक्टली अटैच हो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ उसमें क्या चीज मौजूद होगी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगी तो वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैचड है एच में भी हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ अटैचड है लेकिन सी में हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैचड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी एमसीक्यू नंबर है द डिस्टिलेशन आउट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर

और एल्यूमिनियम का आर्बिटॉल पार्शियली फील्ड है तो पार्शियली फील्ड की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इसमें जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन इन दीपीटॉल इसके बाद कलर तो स्टूडेंट इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी यानी फेरिका फेरेट आयरन थ्री फेरेट, टू, इस का फार्मूला जो अगर मैं लिखूं यहां पे देखें तो वो है एफ ई फोर एफ ई एन सी एन होल सिक्स एंड होल थ्री ये एक कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम जो है वो आयरन या फेरिक है इसका जो कलर होता है वो प्रूशियन ब्लू होता है क्या होता है प्रूशियन ब्लू तो स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज द बोथ ए एंड बी विच वन इज द स्ट्रॉन्गर लिवेज बेस

जो की है उसमें उन्होंने लिया है जो सरासर गलत है इसमें करेक्ट आंसर है इसके बाद लिखा गया है ऑफ द द फॉलोइंग सीरीज हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ स्टूडेंट इसमें से किसका वेवलेंथ सबसे लार्जर होगा स्टूडेंट पहले मुझे बताएं कि आपके पास आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है यहां पे देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक आपके पास लाइमन सीरीज होती है दूसरी बालमर सीरीज होती है तीसरी ब्रैकेट सीरीज होती है लाइमन बालमर सॉरी पास्कन होती है और पासकन के बाद नेक्स्ट आपके पास ब्रैकेट होती है और फिर आपके पास क्या होती है फंड आपको पता है कि लाइमन जो है वो यूवी रीजन में आता है बालमर जो आता है वो विजिबल में आता है ये नेयर आई में आता है और ये मिड आई में आता है और ये आपके पास फार आई में आता है तो पॉइंट टू बी नोटेड इसकी वेवलेंथ लो है और इसकी वेवलेंथ सबसे क्या है हाई द करेक्ट आंसर इज द सीरीज तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है सीरीज और आखिर है ऑफ द द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट सेकेंडनाइजेशन एनर्जी तो स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड इसमें करेक्ट आंसर है ए पोटासियम पोटासियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से रिमूव होगा और उसकी साइज भी क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपके पास बन रहा है वो ए बन रहा है ये था माई डर स्टूडेंट केमिस्ट्री के फिफ्टी थ्री एम सी क्यूज पेपर नंबर सी जो मैंने आपके लिए हल किए अलहमदल्ला स्टूडेंट सबसे पहले ही जब आपका पेपर आया तो आपके पेपर में सबसे पहले जो की बनाई वो मैंने बनाई और अलहमदुल्ला उसकी को एक्सप्लेन भी मैंने आपको कर दिया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ये मेरे स्टूडेंट अक्सर मजाक उड़ाते हैं हम लोग मजाक करते हैं तो बस आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी इन कोई और टॉपिक के साथ हमेशा अपने स्टूडेंट के मफात के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपने उस्ताद, अपने टीचर वकार कारबेक को असल